भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है, और यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख सभी एक जैसे ही होते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य को केवल अपनी गरिमा के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य को देखकर सभी वैसा ही कार्य करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो ही चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही सबसे बड़ा सहारा है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के स्वामी। कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत इस खेल में ना जाने कितने रिश्ते रह गए। बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलते मौसम, चाहे ना दिखे पर महसूस जरूर होते हैं। नाराजगी को कुछ देर तक चुप रहकर मिटा लिया करो, गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते डूब जाया करते हैं, जब दिल भर जाता है तो लोग अक्सर लूट जाया करते हैं। उड़कर गिरना, गिरकर उड़ना सीखा है हमने, बस ठहरना ना आया। हमारे अपनों ने धक्का मारा हमें डुबोने के लिए, मगर फायदा ये हुआ कि हमें तैरना आ गया। गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना। जीत और हार सोच पर ही निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब है कि आपने जीते जी ही आत्महत्या कर ली है। फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो हर हाल में उस पर डटे रहो। ऐसा कुछ जो आपने कभी नहीं पाया है उसे पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी ना किया होगा। जिंदगी वह नहीं जो हमें मिली है, जिंदगी तो वो है जो हम बनाते हैं। बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजर का पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। अक्सर हम सफलता से अधिक असफलता से ही सीखते हैं। असफलता से डरे नहीं, यह तो आपका चरित्र बनाती है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और के लिए व्यर्थ ना करें। जब तक आप अपनी समस्या व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं पाओगे। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही हो। इसीलिए अपना रास्ता स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ।